बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एंजॉयिंग योर गुड हेल्थ। आई एम योर सोशल स्टडीज़ टीचर एंड टुडे आई टीच यू सोशल स्टडीज़ ऑफ क्लास टू। Dear students, before start my topic, I would like to tell you that we are going to start our new unit, and at the end of this session, I'll describe also June task with you people. So, dear students, today's our topic is cities and villages and differences. As you know, the difference between city and village, can you tell me where are you live? You are living in a city, okay? आप कहाँ रह रहे हैं? आप सिटी में रह रहे हैं, ठीक है? Now, हम देखेंगे कि सिटी और विलेज के लाइफ में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है? सिटी के लोगों के लिए क्या एडवांटेजेस होते हैं और विलेजेस के लोगों के लिए क्या एडवांटेजेस होते हैं? बिसाइड दिस, सिटीज़ के लोग कौन से बेनिफिट्स हासिल कर रहे होते हैं जो कि विलेज के लोगों को हासिल नहीं होते? ओके, लेट आई स्टार्ट माय टॉपिक। फर्स्ट वी विल लुक एट द सिटी। सिटी इज़ अ लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट टाउन, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है, सिटी जो होता है वो विलेज से बहुत बड़ा होता है और इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं। अ लॉट ऑफ पीपल लिव इन अ सिटी। बहुत सारे लोग जो हैं वो सिटी में रहना पसंद करते हैं, या सिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं एज़ कंपेरिजन टू विलेज। सिटीज़ हैव बिग बिल्डिंग्स। सिटीज़ में सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, बिग बिल्डिंग्स होती हैं जिनमें हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, शॉपिंग मॉल्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें होती हैं। सिटीज़ हैव ऑफिसेस। सिटीज़ में ऑफिसेस भी होते हैं। सिटीज़ हैव कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। सिटी में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। सिटीज़ हैव बिग मार्केट्स। सिटी में बिग मार्केट्स होती हैं। सिटीज़ हैव बिग हॉस्पिटल्स। सिटीज़ में बिग हॉस्पिटल्स भी होते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल वर्क इन ऑफिसेस। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑफिसेस में काम करते हैं। गॉट इट? ओके, नाउ हैव अ लुक ऑन द पिक्चर्स। यू कैन सी द बिग बिल्डिंग्स। दीज ऑल आर सिचुएटेड इन द सिटीज। ओके, उसके बाद ये देखें, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स भी सारे सिटीज़ में होते हैं। यू कैन सी फ्लाईओवर्स, ठीक है? फ्लाईओवर्स आपने अपनी सिटीज़ में देखे हैं। हैव यू एवर विजिटेड द जीटी रोड? सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ फ्लाईओवर ओवर देयर, ठीक है ना? अगर आप अपने शहर पिशावर को विज़िट करें तो आपको वहाँ पे बहुत सारे फ्लाईओवर्स नज़र आएंगे, जिस पर जो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ट्रैफिक जो है वो एक फ्लो के साथ गुजर सके, उसमें कोई भी ब्रेक या अनाए या ट्रैफिक जैम ना हो। शॉपिंग मॉल्स, आपने अपने सिटी में बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स भी देखे होंगे। एज़ यू कैन विज़िट गिलानी मार्ट और यू कैन विज़िट द अरबाब रोड, सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ शॉपिंग मॉल ओवर देयर, ठीक है ना? उसके बाद आता है सिटी। सिटी में आप देखें कि कितने लाइट्स होते हैं, ठीक है? रात के टाइम अगर आप अपने टेरेस पर चढ़ के देखें तो आपको सब ऐसा लगेगा जैसे कि एक रोशनियों से भरा हुआ शहर आपको नज़र आएगा, ठीक है? यू कैन सी अ लॉट ऑफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स इन द सिटी। सिटी में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी होते हैं, जैसे कि सेक्रेटरीट, जहाँ पे गवर्नमेंट के बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कि पुलिस स्टेशंस, जैसे कि पोस्ट ऑफिसेस वगैरह। ओके, यू कैन सी अ लॉट ऑफ ट्रैफिक इन ऑन द सिटी। इन द सिटीज यू कैन सी अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड्स व्हाइल यू विजिट आउटसाइड फ्रॉम योर होम।
इसके अलावा सिटी में बिग हाउसेस भी होते हैं और ब्यूटीफुल बिग हाउसेस भी होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत लग्जरियस होते हैं, उनमें बहुत फैसिलिटीज़ होते हैं। आजकल सिटीज़ में बड़े बड़े अपार्टमेंट्स भी बनाए जा रहे हैं जिनको हम फ्लैट्स बोलते हैं, ठीक है। उस एक बिल्डिंग में बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे घर होते हैं, ठीक है, और वो बिग बिग बिल्डिंग्स होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड अपार्टमेंट्स। सिटीज़ के जो बाज़ार होते हैं वो बहुत क्राउडी होते हैं, उनमें बहुत रश होता है, बहुत बिजी जगह होती है, लोग वहाँ पर अपनी चीज़ें बाय कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपनी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट प्लेसेस होते हैं जो बाज़ार होते हैं सिटी के, बहुत ऑफिसेस होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफिसेस सिटीज़ में होते हैं, बैंक्स होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं सिटीज़ में, बहुत सारे बच्चे उसमें तालीम हासिल कर रहे होते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी द विलेज ऑन योर स्क्रीन एज वेल। अ ग्रुप ऑफ हाउसेस इन अ कंट्री विच इज स्मॉलर देन अ टाउन और सिटी इज कॉल्ड विलेज, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ हाउसेस इन अ कंट्री विच इज स्मॉलर देन अ टाउन और सिटी इज कॉल्ड विलेज। ऐसा ग्रुप जिसके हाउसेस जो होते हैं वो सिटी से कम होते हैं, ठीक है, उसको विलेज कहते हैं। विलेज हैव स्मॉल हाउसेस, विलेज में बहुत छोटे घर होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क इन फील्ड्स, वहाँ के ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो फील्ड्स में, खेतों में काम करते हैं। They have few hospitals and schools. वहाँ पे बहुत कम hospitals और school होते हैं, अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो सिर्फ आपको first aid दे सकते हैं, वहाँ पे बड़े hospitals नहीं होते, बड़े schools नहीं होते। The people of a village have a very simple life. Village के people की जो life होती है वो बहुत simple होती है। आप देख सकते हैं विलेज का एक घर, ठीक है, इट इज़ लाइक अ हट। विलेज के जो लोग होते हैं वो हट्स में रहते हैं, उनके घर कच्चे होते हैं, वो ब्यूटीफुल बिग हाउसेस नहीं होते। उनके आसपास ग्रीनरीज होती हैं, ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं। विलेज के स्मॉल मार्केट्स भी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल सी होती हैं, इसमें भी बहुत कम चीज़ें बाय कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं लोग। इस तरह की बिल्कुल मेड ऑफ मड होती हैं उनकी जो शॉप्स होती हैं। यहाँ के लोग जो होते हैं वो अपने लिए हट्स खुद बनाते हैं, अपने घर खुद बनाते हैं। सिटीज़ में तो जो घर होते हैं वो आपके लिए आके लेबर बनाती है, ठीक है, बट जो विलेज के घर होते हैं वो लोग अपने लिए खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्मॉल सिंपल हाउसेस होते हैं, यू कैन सी इन ऑन द स्क्रीन। वोमेन वर्क्स इन फील्ड्स आल्सो, वोमेन जो हैं वो भी खेतों में काम करती हैं। यू कैन सी वहाँ के लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वो खेतों में काम करते हैं, जो कि बाद में हमारे लिए वीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स हम जो बाय करते हैं वो ये लोग हमारे लिए खेतों में उगाते हैं, ठीक है। उनकी डेली लाइफ ऐसी होती है, वोमेन जो हैं वो होममेड चीज़ें भी बनाती हैं, जैसे यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट शी इज़ डूइंग सम वर्क ऑन अ विद अ थ्रेड ऑन अ फैब्रिक, ठीक है ना। कुछ औरतें जो हैं इस तरह की सिलाई कढ़ाई का भी काम करती हैं। विलेज का स्कूल्स आप देख सकते हैं ऐसे होते हैं, वहाँ पे बच्चों के पास डेस्क चेयर्स नहीं होते, वो समटाइम हर्स में और समटाइम फ्लोर पर बैठकर पढ़ते हैं, ठीक है। उनके स्ट्रीट्स ऐसे होते हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वहाँ पर रोड्स नहीं बने होते, उनकी स्ट्रीट्स ऐसी होती हैं, कच्ची होती हैं, कच्चे रास्ते होते हैं जो कि प्रॉपर नहीं बने होते। लेस मेडिकल फैसिलिटीज़, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती जैसे कि सिटी में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, दे जस्ट गिव फर्स्ट एड, और उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी भी नहीं होती कि वो किसी अंडर रूफ या किसी अंडर
बिल्डिंग में अपना इलाज करवा सकें। सिंपल सेलिब्रेशंस होती हैं, यू कैन सी द पीपल दे आर सेलिब्रेट एन इवेंट, ठीक है। उसमें उन लोगों ने कोई लग्जरी चीज़ें, लग्जरी कपड़े नहीं पहने हुए, बिल्कुल सिंपल लोग हैं। सिंपल से वो अपना एक रवायती डांस कर रहे हैं एंड दे आर एंजॉयिंग वेरी मच। बहुत सारे लोग जो हैं, आपको मैंने पहले भी बताया कि फील्ड्स में काम करते हैं। वहाँ पे सिटी में क्या क्या लाइफ फैसिलिटीज़ होती हैं, मोबाइल होता है, लैपटॉप्स होते हैं, ट्रैफिक रोड पक्के होते हैं, ट्रैफिक बिल्कुल फ्लो से आती जाती है, इंटरनेट यहाँ पर एनी टाइम अवेलेबल होता है। जबकि विलेज के लोगों की लाइफ बिल्कुल सिंपल होती है, वो बिल्कुल सिंपल घरों में रहते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू जून टास्क, ठीक है। ये आपका जून टास्क है जो आपने अपने स्कूल से कलेक्ट करना है, एंड व्हेन यू कम टू स्कूल यू हैव टू ब्रिंग योर जून टास्क अलॉन्ग विद यू, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट योर नेम, फादर नेम एंड सेक्शन एज वेल, ओके। देन यू विल रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली, got it, and then you will come on to the journal knowledge, ठीक है। journal knowledge के आपने task पे आ जाना है, and there is your question number 1, ठीक है। circle and color the things found in a city, आपने उन चीज़ों को circle करना है और color करना है जो कि city में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि city में होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है traffic signal, a hut, water ponds, एयरपोर्ट, बसेस, एनिमल फार्म। तो इसमें आपके पास कौन सा है, सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल, इसको आपने सर्कल करना है। ट्रैफिक सिग्नल को जो लिखा हुआ है इसको आपने सर्कल करना है, और ट्रैफिक सिग्नल में आपने कलर्स करने हैं। आफ्टर दैट अहर्ट, अहर्ट इज सिचुएटेड इन द विलेज, वाटर पॉन्ड्स इज आल्सो इन द विलेजेस। उसके बाद आता है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को आपने सर्कल भी करना है और उसमें आपने कलर्स भी करने हैं, ठीक है। आपने कलर्स ज़रूर करने हैं बिकॉज इट हैज़ अ मार्क्स। उसके बाद आती हैं बसेस, बसेस को आपने सर्कल करना है एंड कलर भी करना है। एट आफ्टर दैट एनिमल फार्म, उसको आपने लीव कर देना है क्योंकि ये विलेज में होता है। उसके बाद आपने आ जाना है अपने क्वेश्चन नंबर 2 में, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल वर्ड्स, हॉस्पिटल, स्मॉल फार्म, सिटी एंड हर्ट्स। विलेजेस आर स्मॉल, आई सॉ अ बिग हॉस्पिटल इन अ विलेज। नंबर 3, देयर आर मैनी डैश इन अ विलेज, फार्म्स इन विलेजेस, पीपल लिव इन इन हर्ट्स। देयर आर मैनी स्कूल्स इन सिटी, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको ये नीचे इन लोगों नीचे हैंड्स दिए गए हैं, ठीक है। नंबर 1 इज सन, सो यू हैव टू फाउंड सन इन दिस ब्लॉक, ठीक है। नंबर 2 इज बोर्ड, नंबर 3 इज डक, नंबर 4 इज कार, नंबर 5 इज बॉल, नंबर 6 इज स्टार एंड नंबर 7 इज बेयर, ठीक है। इन सब को आपने इसमें ढूंढना है, ओके। नाउ आई हैव डन इट फॉर यू, यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट, सही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस, अदरवाइज इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी फॉर यू पीपल, सो यू कैन डू इट ऑन योर सेल्फ, ठीक है। तो आज की ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। फॉर द नेक्स्ट सेशन कीप इन टच एंड अंटिल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़ फॉर द नेक्स्ट सेशन।